हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कटहल के कोफ्ता की रेसिपी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी सा बना था कटहल कोफ्ता। तो उसके लिए कटहल को कट करके मैंने रख दिया है एक बर्तन में उबलने के लिए। तो मैंने ज़्यादा पानी में नहीं रखा है उबलने के लिए। और कटहल जब हम उबाल रहे थे तो उसी में मैंने दो आलू डाल दिया था उबलने के लिए साथ के साथ। तो दो तीन आलू भी मेरा साथ में ही उबल गया। कटहल अच्छे से उबल चुका है और आप लोग देख सकते होंगे बर्तन में थोड़ा सा, बस ज़रा सा पानी बचा था और यहाँ पे पक चुका है। मैं दिखा रही थी, तो मैसर से मैश कर लेंगे। मैसर नहीं है आप लोगों के पास तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो खूब अच्छे से मैंने मैश कर लिया है अभी कटहल को और इसमें ले लिया है थोड़ा सा हरा मिर्च कट करके। दो तीन हरा मिर्च मैंने लिया था, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन कट करके ले लिया है, अदरक थोड़ा सा कट करके ले लिया और थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप लोग जो नहीं खाते इसके भी कर सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है थोड़ा सा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। तो तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है थोड़ा सा और दो तीन चम्मच के लगभग बेसन। बेसन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमें, नहीं अंदर से सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसन मैंने मिक्स कर लिया है हाथ से, खूब अच्छे से मिला दिया है और हाथ पे लगा लिया है तेल। तो तेल लगाने के बाद ऐसे गोलियाँ बना लेंगे। आप गोलियाँ बनाने में बिल्कुल भी ना डरें क्योंकि फटेंगे नहीं हमारे बॉल कढ़ाई में जाके। तो थोड़े से नरम ही रखेंगे हम बॉल को, बहुत हमें एकदम हार्ड नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने दो तीन बॉल रख दिया कढ़ाई में, तेल गर्म हो गया था। तो ज़्यादा गर्म तेल में हमें नहीं तलना है, थोड़ा सा मीडियम रहे तेल तभी हमें तलना है। तो तल के दो तीन पहले मैंने चेक किया था, निकाल लिया, फिर उसके बाद मैंने ढेर सारे बॉल डाल दिए हैं कढ़ाई में, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऐसे करके हमें तल लेना है सभी बॉल को और बिल्कुल भी नहीं चिपकते ना तो फटेंगे आपके बॉल। थोड़े से अगर सॉफ्ट हैं तो भी कुछ भी नहीं होगा, आप लोग देख पा रहेंगे। अच्छे से मैंने तल लिया है पे बाल को और फिर जो कुछ बचा था फिर से कढ़ाई में मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने 1 किलो कटहल से बनाया हुआ था कोफ्ता और यहाँ पे ले लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक के कुछ टुकड़े और थोड़ा सा धनिया कट करके रखा था। तो डंठी वाला भाग था जो मैंने पीस लिया है और ऊपर वाला भाग रख दिया है लास्ट में सब्जी में ऐड करने के लिए। यहाँ पे कुछ खूब अच्छे से पीस लिया मैंने, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, ऐसे ही सूखा पीस लिया था। और सेम कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया, जीरा अच्छे से पकने के बाद जो कुछ मसाले मैंने पीस के रखे थे वो सब मैंने मिक्स कर दिए हैं यहाँ पे। अब खूब अच्छे से हमें भून लेना है 1 मिनट तक इसे। और भुनने के बाद जब थोड़ा सा तेल छोड़ने लगे तो इसमें हमें ऐड कर देना है टमाटर। तो टमाटर तब तक हम पीस लेते हैं। यहाँ पे टमाटर मैंने कट करके ले लिया है जार में और पीस लिया है। पीसने के बाद आप लोग देख सकते हैं मसाले खूब अच्छे से भुन चुके हैं मेरे, ऑयल ग्रीस करने लगा, छोड़ने लगा। तो इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर जो रखा था पीस करके। तो टमाटर भी अच्छे से मेरा पक चुका है अभी और चिपकने लगा जब कढ़ाई में, तो मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। और ध्यान रहे कि जलना नहीं चाहिए मसाले हमारे, नहीं तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। तो धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, नमक याद रखेंगे कि बॉल में भी हमने नमक लिया था तो हिसाब से ही नमक लेना है, ग्रेवी के लिए सिर्फ नमक लेना है यहाँ पे। तो खूब अच्छे से मसालों को मैंने भून लिया है। भूनने के बाद तो अब इसमें छोड़ देंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से, ग्रेवी वैसे इसकी कोफ्ते की ग्रेवी तो थोड़ी सी गाढ़ी रहती है, पतली ग्रेवी नहीं रहती। तो पानी मिक्स कर देंगे अच्छे से हम। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके पका लेंगे ग्रेवी अपनी। तो ग्रेवी जब उबलने लगी अच्छे से तो मैंने इसमें बॉल सभी डाल दिए हैं। बॉल डालने के बाद हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बॉल डालने के बाद हमें 1 मिनट ही पकाना होता है, 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, बस इससे ऊपर नहीं, नहीं तो बॉल फूट सकते हैं क्योंकि हमने सॉफ्ट बॉल बनाए थे। तो लास्ट में हम इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे। गरम मसाला डालने से सब्जी का स्वाद तो बढ़ ही जाता है और खुशबू भी बढ़ जाती है इसमें।
तो यहाँ पे मैंने हरा वाला धनिया कट करके रखा था जो डाल दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला। बस गैस बंद कर देंगे। बस तो अब गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसमें मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो देसी घी अगर आप नहीं खाना चाहते हैं या पसंद नहीं करते तो आप इसके भी कर सकते हैं, बट देसी घी लास्ट में कोई भी सब्ज़ी अगर हम बना रहे हैं स्पेशल सब्ज़ी तो उसमें देसी घी 2 चम्मच डालने से उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें। तो सब्ज़ी को थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इस एकदम थिकनेस ग्रेवी है, एकदम गाढ़ी सी ग्रेवी, अच्छी सब्ज़ी बनी है। और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताइएगा, ना अच्छी लगी तो भी बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग बाउल में पलट लिया है अपना कोफ्ता, और एक पत्ती से गार्निश कर देंगे। धनिया की पत्ती ली है मैंने, और कोफ्ता आप लोग देख पा रहे होंगे कितना यम्मी सा बना था, और घर में सभी को पसंद आया, छोटे बड़े सभी बच्चों को भी पसंद आया कोफ्ता। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। बाय गाइज।